हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी स्वागत है। जैसा कि आज मेरे हाथ में देख पा रहे हैं कि वीवो का Z1 Pro है, तो इसमें जो है कि FRP लॉक है। तो आपको किस तरह से इस फ़ोन का FRP लॉक हटाना है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक प्रोसेस बाय प्रोसेस देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस तरह के फ़ोन को किस तरह से बाईपास और गूगल अकाउंट को रिमूव किया जाता है। अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो यदि अच्छा लगे लाइक कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टिंग। तो देख सकते हैं फ्रेंड, फ़ोन के सेटअप में अभी मैं आऊँ और फिर इसके बाद देखिए इसके फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेटर है। फ़ोन काफ़ी अच्छा है, वीवो का Z1 Pro। और देखिए यहाँ पे मैं सेटअप न्यू पे जा रहा हूँ और फिर इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ पे स्क्रिप्ट का ऑप्शन देता हूँ और फिर इसे एक्सेप्ट करके अकाउंट को फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट स्क्रिप्ट, फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट। फिर जैसे न्यू पे क्लिक करता है तो यहाँ पे मुझसे अकाउंट पूछा जाता है, तो जो है कि आपका गूगल अकाउंट तो आप भूल चुके हैं, तो आपको नहीं पता कौन सा अकाउंट है, तो आप इसमें ऐड किस तरह से न्यू अकाउंट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। देखिए आप अपने वाईफाई पासवर्ड को ऐड करेंगे यहाँ पे, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे अपना वाईफाई को एक ऐड कर लेना है। अपने वाईफाई को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस पे जाके यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे यूज़ गूगल पे जाके आप फिर से आप देख सकते हैं उस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे जहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी तो पता नहीं है क्या है, तो यहाँ पे किस तरह से इसे अब हमको बाईपास करना है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। देख सकते हैं पूरा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे कोई मेथड ही आपका काम नहीं आने वाला। चलिए अब तो किस तरह से हो रहा है यहाँ पे ट्रिक का आपको दिखाते हैं, तो चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आपको एक और फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, एक और फ़ोन मैंने यहाँ पर ला के हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। देखिए मेरा एक हॉटस्पॉट आ गया, तो यहाँ पे आपको लिखना है YouTube पासवर्ड में, इसके पासवर्ड में आपको लिखना है youtube.com। तो देखिए YouTube.com और यहाँ पे इसे पूरा आपको एक साथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वेब सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा। तो देखिए आपको वेब सर्च का ऑप्शन मिल गया काफ़ी इजीली। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को, अब आप तो बहुत लोग को पता भी होगा कैसे कैसे करना है, तो आप वीडियो को तब पर भी देखें तो स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो किस तरह का जीमेल इसमें ऐड होगा और किस तरह से इसका प्रोसेस है, तो बहुत लोग को नहीं पता रहता। हम मैं उनके लिए बोला हूँ कि जो शॉप पे रहते हैं उन लोग को तो आइडिया हो ही जाता है। तो यहाँ पे प्राइवेसी एंड पॉलिसी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो एक जो है कि FRP फाइल वाला जो है कि .com उसे आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं उससे टाइप कर रहा हूँ www.frpfile, आपको टाइप करना है file file.com/bypass, ये आपको टाइप कर देना है। देखिए ये वाला तो यहाँ पे टाइप करता हूँ और फिर यहाँ पर बाईपास सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सर्वर में नहीं ले रहा है, तो टेम्परेली आउट। मैं एक और साइट का लिंक आपको दे दे रहा हूँ, FRP यहाँ पे www.bypass.frpfile.com, इस वाले आपको साइट पे आ जाना है। तो इस वाले साइट पे आपको सारा चीज़ वर्क करना है। दोनों ऑप्शन आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन वाला गूगल अकाउंट जो है कि 8.0 वाला आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे गूगल अकाउंट बाईपास वाला ऑल अकाउंट वाले पे आपको आ जाना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे सैमसंग के सारे फ़ोन का बाईपास फाइल मिल जाता है आपको इस साइट पे। तो यहाँ पे Z1 Pro का भी दिख गया, यहाँ पे वीवो Z1 Pro, यहाँ पे गूगल अकाउंट 9.0 है, तो इसे आप नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे एक और है तो इसे आपको सर्च करना है। देखिए तो यहाँ पे स्क्रॉल करते करते आप नीचे आएंगे, यहाँ पे बाईपास FRP फाइल APK, यहाँ पे थोड़ा नीचे और आएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए गूगल अकाउंट वाले पे, देखिए आपको 8 पॉइंट वाले पे क्लिक कर देना है। 8 पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा 8.0, तो यहाँ पे आपका ये फाइल ऐड हो जाएगा। देखिए नहीं लिया, फिर से बैक करते हैं और यहाँ से फिर से स्क्रॉल करते हैं,
अब यहाँ से ये वाले टूल को आपको डाउनलोड कर लेना है, FRP बाईपास, इसको आपको मोस्ट लोड कर लेना है। काफ़ी छोटे MB का होता है, देखिए 1 MB का है, तो एक आपका लोड हो जाएगा देखिए काफ़ी इजीली। तो चलिए इसी पहले लोड कर लेते हैं, देखिए मेरा रेपिक है, देखिए ये भी लोड हो गया और इधर में ये भी लोड हो चुका है। चलिए ले लिया गूगल अकाउंट वाला ले लिया। तो चलिए देखिए उस समय दिखाया तो नहीं ले रहा था लेकिन लोड हो रहा था। चलिए गूगल 8.0 ऐड नहीं वर्क किया, चलिए फिर से हाँ अब ले लिया। तो 8.0 आप इस तरह से ऐड हो जाएगा आपका, आपका नहीं यदि फ़ोन में मैच करता है तो आप अपना जो है वर्जन देख सकते हैं 8.0। तो यहाँ से इंस्टॉल हो गया है, गूगल अकाउंट बाईपास FRP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अकाउंट न्यू अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ब्राउज पे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी आपको ऐड कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप यहाँ पे जिसमें कूल 2020 तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड आपको हाइड कर दे रहा हूँ इसका, तो चलिए इसका पासवर्ड मैं नहीं शो कर सकता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देंगे आप अपना भी पासवर्ड डाल के, और थोड़ा सा साइन इन होने के बाद आपको फ़ोन को पावर की मदद से आपको फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है या रीबूट कर सकते हैं। तो मैं रीबूट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से फ़ोन आपका रिस्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, तो वेट कर दिए और फिर देखिए फ़ोन आपका यहाँ से रीबूट हो चुका है। तो थोड़ा सा फ़ोन रीबूट हो जाने दीजिए, देखिए यहाँ पे फ़ोन काफ़ी इजीली से रीबूट हो गया। और देखिए फिर से सेटअप पे आ गए हैं और फिर यहाँ पे इस बार में इसमें FRP अकाउंट नहीं मांगेगा। और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कंट्री, फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट, फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट करिए, देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट ऐड किया हुआ मिल जाएगा, आपका अकाउंट ऐड हो चुका है। देखिए मेरा अकाउंट ऐड हो चुका है, तो एक्सेप्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे, फिर यहाँ से स्क्रिप्ट करेंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट, फिर स्क्रिप्ट, फिर यहाँ पे न्यू, देखिए फ़ोन डन हो चुका है। चलिए आपका फ़ोन ओपन हो गया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब मी, और कमेंट यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और आप लोग के लिए किस तरह का टूल को यूज़ करके इसका जो है कि पासवर्ड यदि कोई भूल जाता है FRP या तो ये पैटर्न या पिन, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी जो ऐड किए थे FRP उसके लिए आ गया था। चलिए हटा दिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपका फ़ोन पूरा वर्किंग कंडीशन में है। देखिए काफ़ी बिल्ड अच्छी क्वालिटी का है, फ़ोन काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक का है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करने के लिए कह रहा है, तो ओके कर देते हैं। फिर यहाँ से बैक कर दिया, फ़ोन ओके है। और चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।